Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज हम फिर से अपनी दुबई वाली सिटी के अंदर मौजूद हैं। और गाइज आप मान भी नहीं सकते गाइज, सुबह सुबह मेरे घर के अंदर चीफ आया, सुबह 3 बजे आया था। और गाइज उसने मुझे बोला है कि गाइज अभी उसको मेरी घर के अंदर जगह चाहिए सोने के लिए। एक्चुअली गाइज मुझे पता नहीं है कि उसके घर में ऐसा क्या हो रहा है कि चीफ को मजबूरन मेरे घर में आना पड़ा और वहाँ पर भाई वो सोने की जगह मांग रहा है। लेकिन एनीवेज चीफ को छोड़ते गाइज, उसकी मिस्ट्री तो हम थोड़ी देर बाद हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर उठानी है थोड़ी बहुत वीट, क्योंकि गाइस ये मैंने कल ही उगाई थी। और गाइस पता नहीं कैसे लेकिन सुबह भाई 24 आवर्स में गाइस अपनी वीट यहाँ पर पूरी उग चुकी है। और अगर हम एक्चुअली यहाँ पर आके देखें तो ये चपाती भाई सुबह सुबह या घोड़े के ऊपर सवारी कर रहे हैं। और भाई कहाँ स्पीड के में जा रहे हो जल्दी में भाई, ट्रैक्टर के साथ ठोक दिया आपने, कहाँ जा रहे हो वैसे? जल्दी में भाई, मैं लैम्बोर्गिनी है, घोड़ा मत बोलिए इसको, खबरदार। हां हां घोड़ा बना दो भाई, 1 हॉर्स पावर वाली लैम्बोर्गिनी है यार ये तो। आ जाओ मैं आपको गोल्डन एप्पल के साथ मारता हूं। मैं तो कुछ पेड़ मारता हूं। अच्छा रहने दो भाई। और वैसे आप जा कहां रहे हो इतनी स्पीड में? भाई मैंने नई वाली शॉप खोल कर रखी है, उसके अंदर एकदम ओपी आइटम्स है। उनकी शॉप लूटनी है अच्छा, तो तभी गाइस चीफ मेरे घर के अंदर आ रहा था, ये आपने क्या कर दिया? 50% पार्टनर अपना चीफ, लेट्स गो। अरे रहने दो भाई, अबे रातों रात चीफ मेरी घर के अंदर आ गया था, वो सोने की जगह मांग रहा है। प्रॉब्लम है भाई, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या हो गया ऐसा कि आप वो बिल्डिंग यूज नहीं कर रहे हो भाई? मेरे को चीफ ने 50% ऑफर देकर। अच्छा ऐसा क्या भाई, तो चपाती भाई गाइस बिजनेस को तो छोड़ेंगे ही नहीं। और क्या कर रहे हो भाई, आपने सारी गाजरे तोड़ दी। अरे मेरे को चाहिए रेसिपी के तौर पर, मेरे को एक गाजर चाहिए। ओ अच्छा ऐसा क्या भाई, वैसे आप भाई दिखाओ, ये कस्टमर्स को है ये ऐसे कस्टमर के ऊपर कौन चिल्लाता है ऐसे? और ये भाई मैंने अभी देखा आपने ट्रेडर भी यहाँ पर भाई बांध के रखा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो इसका नाम भी कुछ है ही नहीं भाई, इसके नाम के ऊपर सिर्फ डॉट लिखा हुआ है। और अगर मैं स्क्रॉल करके देखूं तो ये एक्चुअली वे व्हाट है, ये कौन सी चीज बेच रहा है? तो यहाँ पर जार ऑफ पीनट बटर है और जार ऑफ जेली। वे व्हाट है ये चपाती भाई के पास? तो गाइस यहाँ पर कस्टम ट्रेडर आ चुका है जो जेली और पीनट बटर दे रहा है। अरे वो मामूली ट्रेडर नहीं है भाई, वो तेरे को सैंडविच बना के देगा। अच्छा, भाई ये वाला सैंडविच पीनट बटर वाला मैंने यहाँ से उठा लिया, रख लिया। क्या कर रहा है? रख लिया वापस सर जी। भाई ऐसा ओवर रिएक्टिंग आपको शोभा नहीं देता। ग्रामर खराब कर भाई। 50% ब्लाउ चीज को, 50% पार्टनर वो मेरा। मैं आपको 50% होगी की शॉट से मारता हूँ, चलेगा आपको? अभी तेरे को खुद जाकर सैंडल क्राफ्ट करना पड़ेगा, मैं तो कुछ देने वाला। खुद करना पड़ेगा क्या? अच्छा जाता हूँ भाई। तो वैसे गाइस एक काम करते, ये एक्चुअली किस चीज के साथ ट्रेड कर रहा है? तो गाइस इसके साथ ट्रेडिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर एमरल्ड चाहिए होंगे, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर 2 एमरल्ड चाहिए। और गाइस एमरल्ड मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे कहाँ से लेने हैं, कहाँ पर है सारे विलेजर्स हमारी सिटी के अंदर। मुझे लगता है छपाती भाई ने सबको भगा दिया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर फार्म के पास आऊँ तो कहाँ पर है अपना फार्मर? और हेलो फार्मर यही कहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अरे वो रहा खड़ा है पीछे। हेलो सर जी कैसे हो, ये मुझे क्या दे रहा है? पेपर का मुझे एमरल्ड दे रहा है और ये वाला मुझे क्या? भाई ये तो आयरन आर्मर मांग रहा है। तो अगर गाइस मैं इसको 24 कागज दे दूं तो गाइस ये मुझे देगा अपना एमरल्ड। तो गाइस कागज मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे कहाँ से लेकर आना है। यहाँ पर ढेर सारे चपाती वाले शुगर केन तो उगाए हैं, तो पहले मैं इनको तोड़ देता हूँ। ओके तो बहुत सारे शुगर केन तोड़ने के बाद मेरे पास फाइनली गाइस 51 कागज तो आ चुका है। और कहाँ पर है अपना ट्रेडर? ये रहा। और सर जी प्लीज मुझे 2 एमरल्ड चाहिए। और लेट्स गो, मेरे पास अभी 2 एमरल्ड तो आ चुके हैं। और अभी मुझे जल्दी से जाना है चपाती भाई की शॉप के अंदर। और ये चपाती भाई ने कहां कहां पे फेंसेस लगा के रखी हैं। और अभी ओ तेरी भाई, अभी गाइस सारे विलेजर्स यहां पर आ चुके हैं। जब मैं इनको ढूंढ रहा था तब तो यहां पर एक भी विलेजर नहीं था, और अभी यहां पर पूरी पूल पार्टी शुरू हो चुकी है। लेकिन एनीवेज और ये लो चपाती भाई, मैं अपने 2 एमरल्ड लेकर ट्रेडिंग कर। अच्छा देता हूं भाई चपाती भाई। तो गाइस ऑलरेडी सुबह सुबह मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो एक पीनट बटर का जार मैंने यहाँ पर ले लिया है, और अभी मैंने जेली का जार भी ले लिया है, और अचार का जार कहां पर है भाई? मुझे अचार भी चाहिए था। अच्छा चपाती भाई के हाथ में क्रॉसबो है तो मुझे उनसे भिड़ना नहीं है, और मेरी हेल्थ भी काफी कम हो चुकी है। तो अभी आई थिंक परफेक्ट हो गया यहाँ पर पीनट बटर और जेली सैंडविच खाने का। तो अभी बताओ सर जी ये क्राफ्ट कैसे होता है? ओके तेरे को कोल्डर लेना है, और कोल्डर के अंदर सारी चीजें फेंकनी है, और तभी जाके तेरे को सैंडविच मिलेगा। ओके तो उसके और ये देखो यहाँ पर कोने के अंदर तो कोल्डर पड़ा हुआ है, और आगे चोर, ये देखो भाई चोर आगे भाई चेस्ट लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर तो बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। अरे ये मेरा एक्स्ट्रा सप्लाई है, कुछ मत छेड़ियो भाई। मैं सर जी सिर्फ यहाँ से मैं ब्रेड ले रहा हूँ। ये लो भाई सर जी, मैंने सिर्फ यहाँ से ब्रेड ले लिए। चोमू बंदा यार। हाँ भाग गया। और अभी अगर गाइस मैं इसके अंदर ये फेंकू, उसके बाद जेली और उसके अंदर एक ब्रेड, भाई ब्रेड अंदर गया ही नहीं। तो 1, 2 और 3 और लेट्स गो गाइस। ये रहा आपका ये पीछे से मारने की कोशिश कर भाई, और इसको मैं खाऊंगा टेबल के ऊपर खड़ा होके। और अभी अगर गाइस मैं इस सैंडविच को यहाँ पर खा के देखू तो लेट्स गो गाइस मेरी
हंगर तो थोड़ी बहुत अप हो चुकी है और इससे मुझे 10 सेकंड का रीजेनरेशन भी मिला। लेट्स गो। अरे क्या मार रहे हो भाई, तेरे को वैसे भी रीजेनरेशन दे के रखा उन लोगों ने। ये भाई मेरे पास तो रीजेनरेशन, मेरे पास तो रीजेनरेशन है। ये तूने ये वाला टेबल के ऊपर खाया था ना? हां हां भाई, मैंने यही वाला टेबल नंबर 3 के ऊपर कपड़ा मार दे। ये ले, अभी मैं तेरे को दे रहा हूं टैकोस। ये देख रहा है कितना टेस्टी लग रहा है यार। मोटा टैको है भाई, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के देखूं तो ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। मेरे पूरे हाथ से बड़ा है और अभी मैं इसको मैं नहीं खा सकता यार। उस सैंडविच ने मेरी भाई, उस सैंडविच ने मेरी सारी हंगर यहाँ पर फुल कर दी। एक बार मैं थोड़ा भाग के आता हूँ, मैं तेरी हंगर की भंगार बनाता हूँ यहाँ पर। मार दो चपाती भाई, शॉट के साथ मारो भाई, मुझे मजबूरन का यहाँ पर चपाती भाई से मार खानी पड़ेगी और अभी तक एक भी हंगर कम नहीं हुई। तो अभी अगर मैं टाको को खा के देखूं तो अरे नाइस भाई, क्या मस्त वाला टाको था। लेकिन भाई इसमें सिर्फ एक चीज कमी थी भाई, इसके अंदर थोड़ी हॉट सॉस अगर लगा दे तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। इसके अंदर हॉट सॉस नहीं भाई, इसके अंदर लावा लगा, एकदम स्पाइसी बन जाएगा ये। ओ भाई वैसे मुझे स्पाइसी खाना तो बहुत ज्यादा पसंद है। ओ भाई एकदम चटनी, ये तो भाई चटनी का ओवरफ्लो हो गया। खाता हूँ एक मिनट, अभी मुझे फिर से थोड़ा बहुत भाग के आना पड़ेगा। और ये वाला टाको तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अबे गर्मा गर्म कुछ मेरे को याद आ रही है, जल्दी खा ले। मार रहा है भाई, मेरा तो हाथ जल रहा है, इतना ज्यादा गर्म हो चुका है ये। ओवर एक्टिंग मत कर, चल। ओके अभी गाइस हम खाएंगे चपाती बाय का वर्ल्ड्स फेमस स्पाइसी टाको। और मैंने खा तो लिया और ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी था। ये क्या वैसे ठीक था भाई, ठीक था और राइट था। और ये क्या हो रहा है भाई, ये आपने क्या भाई जहर मिलाया था भाई टाको के अंदर? वो था देसी टाको भाई, मैं तो जल रहा हूँ। अबे मैं तो जल रहा हूँ भाई। अबे चपाती भाई एक दूध की बाल्टी दे दो। हेलो देसी टाको था देसी। अरे यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, लेट्स गो गाइस, मुझे जल्दी से पानी के पास जाना है। और ओके गाइस मैं यहाँ पर बच गया। और अगर मैं बाहर आऊँ, अबे मैं फिर से जल रहा हूँ भाई, अबे मैं फिर से जल रहा हूँ। तो गाइस मैं जैसे ही पानी से बाहर आऊंगा मैं जलूंगा। चपाती भाई मुझे भाई मिल्क की बकेट दे दो, तेरे को खाना था स्पाइसी टाको है भाई। मुझे स्पाइसी वाला खाना था, लावा वाला नहीं खाना था। थैंक यू। और कम ऑन भाई मुझे जल्दी से गाइस ये दूध पीना है। और गाइस अभी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ले लॉगी, अभी मैं तेरे को दे रहा हूं द मोस्ट लेजेंडरी पिकैक्स, द पिकैक्स एक्स। हां मैं देख रहा हूं भाई इस एक्स से होता क्या, और इसका नाम भी है लेजेंड्स चपाती। हां खतरनाक, मैंने अपने हाथ से 50 साल इसको मैंने तराश के बनाया मैंने भाई। लो भाई हमने घटिया सा आयरन का पिकैक्स बना के उसको एन्चेंट कर दिया। अभी इसको पेड़ के ऊपर मार के देखियो भाई, देख के टेक्नोलॉजी हैरान हो जाएगा ये। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई, ऐसा क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे मारूंगा? पेड़ जुड़ा हुआ है, वो सोलो पेड़ के ऊपर मार, सोलो पेड़ के ऊपर मुझे मार दे। एक मिनट भाई मुझे दो सेकंड दो, मैं सोलो पेड़ ढूंढता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इस पेड़ के ऊपर ऐसे मार के देखूं तो कुछ भी नहीं हुआ। वो अबे पेड़ कहाँ जा रहा है? हेलो अबे पेड़ कहाँ गया? इसे कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी भाई। भाई पूरा पेड़ तो गाइस स्पेस के अंदर चला गया है। व्हाट अगर मैं इस वाले ट्री के ऊपर मारूं तो ये काम करेगा क्या? ये तो कुछ ज्यादा बड़े वाला ट्री है। तो अबे बाकी चीजें भी तोड़ने की, ये वाला ट्री तो कुछ ज्यादा ही मोटा है। बाकी भी तोड़ काम करते हैं। आजा भाई सारा ट्री मैं तोड़ देता हूं। अभी उड़ेगा, कुछ भी नहीं हुआ भाई। भाई आपका पिकैक्स भाई रहने दो भाई, वो वाला ट्री काम नहीं कर रहा है। वो देख। ओ ये आजा भाई, वो वाला ट्री यूज करके देखते हैं। तो अगर मैं इस वाले के ऊपर ऐसे मार के देखूं तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। उड़ के फिर से वहां पर रुक गया भाई, पेट्रोल बीच में ही खत्म हो गया। एक मिनट मैं थोड़ा बहुत और यहाँ पर तोड़ता हूँ, आई थिंक फिर से ये ऊपर फिर जाएगा। अरे ये सोच तो रहा है लेकिन ये ऊपर जा नहीं पा रहा। वो तूने देखा अभी नहीं, उसको पहुंच गया ऊपर आसमान। अच्छा गया क्या रे यार, मैंने ये सामने वाला जो है ना, ये इस वाले के ऊपर मारते हैं। ये एकदम माइनक्राफ्ट का परफेक्ट साइज है भाई, ये ऊपर जाएगा, ये तो पूरा ऊपर जाएगा ये। आज हम भाई ट्री को पूरा ऊपर पहुंचा के रहेंगे। और कम ऑन उड़ ट्री, जा रहा है भाई। थोड़े बहुत लीव यहाँ पर रह चुकी है, लेकिन भाई ये कितनी खतरनाक एक्स है गाइस। अभी लोगे ये देख, तेरे को मैं एपिक आईडिया दे रहा हूँ चिकन फार्म बनाने का। ये अच्छा, देख ऐसा क्या अंडे नहीं है भाई, ये अंडे तो लिटरली चिकन के अंदर घुस जा सकते हैं वापस। ओ है क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई। एक मिनट भाई, अभी मैं चिकन ढूंढता हूँ और मुझे एग्जैक्टली पता है कि चिकन हमारी सिटी के अंदर कहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ नीचे आके देखूं यहाँ पर एक भी चिकन नहीं है भाई, सारे भाग गए यहाँ से। तो अगर मैं चिकन के पास आऊँ तो मुझे अंदर डालने कैसे? आई थिंक गाइस अगर मैं ऐसे क्राउच करूँ और ऐसे अगर मैं शूट करूँ तो अच्छा कुछ भी नहीं हुआ भाई। अभी उसके ऊपर फेंक, वापस चिकन के अंदर घुस जाएगा। फेंकने ऐसा क्या, आ जाओ भाई फिर इस चिकन के ऊपर हम ट्राई करेंगे। तो अगर मैं ऐसे फेंक के देखूं तो मैंने मिस कर दिया। और ये देखो भाई यहाँ पर 1 out of 2 आ चुका है, 2, 3, 4। और इसके अंदर गाइस हमने 50 अंडे डालने हैं। इतनी जगह भी होती है इसके अंदर की नहीं होती? वही तो भाई, अंडा है भाई, एक अंडा उसके पैर के जितना है। तो चलो भाई चपाती भाई अभी मुझे 50 अंडे दे दो तो मैं ऐसे पूरा स्टैक फेंक सकता हूँ क्या? भाई मैंने पूरा स्टैक फेंक दिया, लेकिन भाई वो आधा स्टैक तो वेस्ट हो गया। तो एक काम करते हैं गाइस, हम ऐसे एक एक करके फेंकेंगे। और 3, 2, 1 और अभी क्या, वो
वो अच्छा भाई साहब, यहाँ पर तो भाई पूरा चिकन फार्म बन चुका है भाई। देखा क्या धमाका हो गया, सारे चिकन बाहर आए, खतरनाक था भाई। तो गाइस एक चिकन फट के यहाँ पर 100 चिकन और निकल आए, और वो देखो भाई बिल्डिंग के ऊपर भी जा चुकी है। कितना ज्यादा खतरनाक था ये इम्पैक्ट। ये ले नेक्स्ट वाला वेपन देख ले, मेरी रेस्टोरेंट के अंदर आता है क्या। ओके ये तो पफर गन है, पफर गन, तो इसका नाम है पफर फिश गन। और अगर मैं इसे शूट करके देखूं तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा आई थिंक गाइस पहले मुझे एम करना होता है। मेरी बात सुन ले, कोई वेपन नहीं है भाई, इसको चलाने के लिए तेरे को एक्चुअली क्रिएटिव में जाना पड़ेगा। और करना तेरे की इन्वेंटरी के अंदर गाजरे हो, नहीं तो नहीं चलेगा। ओ ये मेरे पास 14 गाजरे तो है। तो अभी गाइस मुझे यहाँ पर अपना गेम मोड स्वॉप करना है क्रिएटिव के अंदर। दूर जाके करियो भाई, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। हाँ हाँ भाई मैं दूर जाके करता हूँ, और मुझे फ्लाई तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर चीफ ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा मर गया यार ये। अरे ये देखो भाई मैं पहाड़ी इलाके के अंदर आ चुका हूँ। और ओके अभी मैंने अपनी गन तो यहाँ पर लोड कर दी, और सीधा पहाड़ के ऊपर हम ऐसे फायर करेंगे। और भाई साहब आधा पहाड़ हमने यहाँ पर तोड़ दिया, और अंदर से गाजरे भी निकल रही है। लेट्स गो। तो इसका मतलब ये गाइस कि अभी हमारे पास आ चुका है इनफिनिट एमो। और भाई ये कितनी ज्यादा इफिशियंट गन है, ये देख रहे हो गाइस। मैंने लिटरली पहाड़ के अंदर ऑलमोस्ट पूरा टनल यहाँ पर बना दिया। ये इसे कहते हैं कूड़ा फाती गन भाई, तो यार खतरनाक है ये। तो ये पहाड़ों के ऊपर तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अगर मैं प्लेयर के ऊपर ट्राई करूं यार। तो ये वाली गन तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और अभी मैं फिर से शॉप के अंदर आ चुका हूँ, और ये कौन सी चीज है, ये फोर्क तो चपाती भाई ने मुझे दिखाया ही नहीं। तो एक काम करते गाइस, जब तक चपाती भाई आते हैं मैं ये वाली चीज देखता हूँ। तो हे भाई मुझे ये फोक मिला, इस फोक से होता क्या है। अरे वो तो मैंने उठा लिया भाई, मुझे एक मिनट भाई, मेरी हंगर तो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और ये फोर्क मैं यूज करूंगा खाने के लिए। मैंने फोर्क भाई जब पड़ी हो और मेरी चपाती वाज ईटन बाय लॉगी गेमर, और मेरी हंगर भी फुल हो चुकी है। लेट्स गो। मैं तेरे पेट के अंदर कितने मोटे मोटे कीड़े आए, और मेरे को बाहर निकालो यहाँ से, मत बोलो भाई। और इसी के साथ ही गाइस आज की वीडियो अभी यहीं पर ही खत्म होती है। और अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।